सब्सक्राइब कीजिए स्टार गुरु यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलिएगा एकदम धमाकेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार गुरु में। दोस्तों, आज का वीडियो फोटो एडिट का शौक रखने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग फोटो एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी फोटो को कई तरह से एडिट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप फोटो में 360 वाली फोटो बनाकर अपने फोटो में कई तरह के इफेक्ट डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं आज का यह वीडियो और आपको बता देते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है और उसको आपको कहां से डाउनलोड करना है और किस तरह से वो काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर। तो चलिए मैं मेरा प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टॉप में सर्च बार में आपको यहाँ पे लिखना है ई फोटो, आपको लिखना है ई फोटो 360। जैसे आप लिखेंगे ई फोटो 360 नीचे आ जाएगा ये, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आइकन वाला एक एप्लीकेशन आ जाएगा। आप इसका आइकन देख लीजिए, आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। 1 मिलियन इसके डाउनलोडेड है, 4.7 की इसकी रेटिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं यहीं से डायरेक्ट ओपन करके आपको यहाँ से इसको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें किस तरह से आपको फोटो को एडिट करना है। तो दोस्तों, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ आपको यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोडिंग होने में थोड़ा समय लेगा। तो यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है और दोस्तों जैसे ये ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इस एप्लीकेशन का दिखेगा। अब दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूएस्ट है, इवेंट है, कैटेगरीज है, तो यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक आपको यहाँ पे कैटेगरी मिल जाएंगी। आपको तरह तरह के इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको जिस पे चाहे उस इफेक्ट को आप ले सकते हैं अपनी फोटो को। इन जो ये जो इफेक्ट दिख रहे हैं ऐसी फोटो आप भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूएस्ट है, यानी जो भी इफेक्ट नया आ रहा है वो आपको न्यूएस्ट में मिल जाएगा। उसके आगे इवेंट है, फिर दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाती है, ये देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों तो आपको पॉपुलर मिल जाता है, तो यहाँ पे फेवरेट मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे कैटेगरी पे जाता हूँ और कैटेगरी में आपको यहाँ पे स्टिकर मैनेजर, टेक्स्ट इफेक्ट, लव एंड रोमांस। तो चलिए मैं लव एंड रोमांस पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे आपको हज़ारों की तादाद में इफेक्ट मिलने वाले हैं। आप एक एक करके देख लीजिए कौन सा इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, उस इफेक्ट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी फोटो में। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको इसमें इफेक्ट मिलने वाले हैं। चलिए मैं यहाँ से कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ और उस फोटो के हिसाब से हम अपनी फ़ोटो को एडिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए हम इस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इस फोटो की तरह हम अपनी फ़ोटो को बना के दिखा देते हैं। दोस्तों जैसे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो को यहाँ पर लेना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से आपको उस फोटो को ले लेना जिस फोटो को आपको यहाँ पे एडिट करना है। चलिए मैं यहाँ से कोई एक फोटो ले लेता हूँ। चलिए मैं इस फोटो को यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे आप इस फोटो पे सेलेक्ट करेंगे तो ये फोटो कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी। अब दोस्तों यहाँ से आप जूम इन जूम आउट करके एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी फोटो को क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर ओके कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओके करेंगे तो आपकी फोटो वो यहाँ पर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में आपकी फोटो यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये जनरेट हो चुकी है, अब आपके सामने आपकी फोटो कुछ इस तरह की दिखेगी। अब अगर आपको इसको सेव करनी है, अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है अपनी फोटो को, तो आप एडिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रॉप वगैरह, फ्रेम आपको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसका कलर कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्टिकर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद में आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का आइकन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आइकन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ये इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको सेंटर में मिलेगा एक सेव का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी और आप आसानी से वहाँ पे अपनी गैलरी में जाके अपनी एडिट की हुई फोटो को आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। आप एक एक करके देख लेना कौन सा आपको अच्छा लगता है, उस इफेक्ट को आप अपनी फोटो में लगा सकते हो, उसी तरीके की फोटो आप बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉटेड लाइन पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे सारी कैटेगरीज को एक साथ देख सकते हैं और यहाँ पे कौन सी कैटेगरी की फोटो आपको चाहिए, किस तरह का इफेक्ट आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं PIP वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी PIP वाली फोटो है वो आप हमारे सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी फोटो में इफेक्ट कर सकते हो, आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि दोस्तों रोज हम आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।